तो स्वागत दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर यूट्यूब और गूगल को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं, दोस्तों किसी भाई के टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी ओपन नहीं हो रही है, लेकिन किसी भाई के टैब के अंदर हो रही है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी कुछ इसी प्रकार की होने वाली है। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपके टैब में वर्क कर जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेगी तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और दोस्तों अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे बताना कि आपका क्या चला, कमेंट में आप ज़रूर बताना कि अगर आपकी जो ये वाली ट्रिक है वो सही से चल गई। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और दोस्तों मैं नई ट्रिक भी ले आऊँगा अगर आपकी ये वाली ट्रिक वर्क नहीं करती है। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आपकी ये वाली ट्रिक वर्क कर जाती है तो बहुत अच्छा है। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली आई का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली से प्रेस कर देना है। आई के बटन पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं कल आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। कल मैं नई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्ले स्टोर को ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिंपली वाईफाई पर क्लिक कर देना है, और जैसे कि आप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं वैसे आपको यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्ले डॉट गूगल डॉट सी। तो ऐसा लिखने के बाद दोस्तों आपको इस पर डबल टैप करना है। सॉरी ये गलत लिखा गया, मैं ऐसे क्लिपबोर्ड में से इसको ले लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। तो इस पर सिंपली आपको डबल टैप करके इसको ओपन है वो कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। सिंपली इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपकी ट्रिक चल जाती है तो बहुत अच्छा है। अब आपको यहाँ पर सिंपली सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको लीगल हेल्प पर क्लिक कर देना है। लीगल हेल्प पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिस फोरम पर क्लिक कर देना है, और दिस फोरम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है। इस फॉरम को आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको नीचे सिंपली चले जाना है, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिंपली से दोस्तों प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर डॉट डॉट हैं वो दिख रहे होंगे, आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं गूगल आपका ओपन हो गया है। अब आपको सिंपली से इस पर सर्च कर देना है क्रोक्सी प्रोक्सी यूट्यूब, और वहाँ से आप यूट्यूब को चला सकते हैं। इसमें आपकी सभी साइटें हैं वो वर्क करती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ट्रिक चल जाती है तो अच्छी बात है, वरना मैं नई ट्रिक वो भी जल्दी ले आऊँगा।